सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जितनी सुगंधिदायक पौधा है उतना ही यह इसको आराम से आप कई रूपों में सेवन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं, देखिए बच्चों को पेट में कीड़ा हो जाता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में मरुआ सर्वसुलभ और अत्यंत गुणकारी और हानि रहित पौधा है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप पुदीने की चटनी बनाते हैं उसी तरह से आप मरुए की चटनी बना करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो मरुए की चटनी के लिए आप इसके पत्तियों को ले लीजिए, ये पत्तियों को लेकर के इसको तोड़ करके पीस करके फिर आप इसको स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में अदरक या हरी मिर्च या थोड़ा नमक इसको डाल करके और चाहें तो इसमें आंवला भी मिला सकते हैं, आप देखेंगे बहुत स्वादिष्ट चटनी इससे तैयार हो जाएगी। जिन बच्चों को पेट में कीड़ा हो जाता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में मरुए की चटनी बना करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। पेट के कीड़े तो इससे ठीक होते ही हैं और छोटे बच्चे हैं उनको आप चटनी भी नहीं खिला सकते, तो उसके लिए आप इसके कुछ पत्तियों को पीस करके फिर उसमें से आप रस निकालें तो 4-6 बूंद रस भी यदि सुबह खाली पेट बच्चे को पिला देते हैं, आप 3 दिन से 7 दिन पिला दीजिए, उससे आप देखेंगे कि वो बच्चों की जो पेट के जो कीड़े हैं चूरमे हैं सब निकल जाएंगे। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो बच्चों के कीड़ों के लिए, बड़ों के पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मुझे स्मरण है हमारे कनखल के अंदर ही एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं शरद जी, उनके पिताजी को पेट की बहुत परेशानी रहती थी। वो कोई भी दवाई लेते थे तो कुछ दवाई लेते थे तो या तो दस्त हो जाते थे, कुछ दवाई लेते थे तो कब्ज हो जाता था, तो पेट की जो स्थिति है वो काफ़ी अस्त व्यस्त रहती थी। तो उन्होंने कुछ दिन मरुए की चटनी बना करके उसका सेवन किया और जिनको इंडाइजेशन की शिकायत है ये पत्तियों को लेकर के इसको तोड़ करके पीस करके चटनी बना करके थोड़ा सा अदरक डाल करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। जो भूख कम लगना है, पेट का जो अफवारा है उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ये अत्यंत गुणकारी पौधा है।